नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है स्मृति का मॉडल, और स्मृति के मॉडल के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण मॉडल के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं आज के क्लास में, वह है स्मृति का एटकिंसन सिफ्रिन का प्रतिरोधक मॉडल। इसके बारे में आज के क्लास में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके पहले स्मृति के मॉडल में पहला मॉडल जो था बोग एवं नारमेन का मॉडल, उसका क्लास हम ले चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं कि स्मृति के मॉडल में एटकिंसन और सिफ्रिन का जो प्रतिरोधक मॉडल है वो क्या है। ठीक है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं, आपको मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि बोग एवं नारमेन ने नारमेन के मॉडल में स्मृति को समझाने के लिए स्मृति की व्याख्या उन्होंने क्या है, दो तंत्र के आधार पर, द्वितंत्र के आधार पर की। क्या क्या? पहला प्राथमिक मेमोरी कहा और उन्होंने दूसरा क्या कहा, सेकेंडरी मेमोरी। इसी के आधार पर इन्होंने स्मृति का व्याख्या किया। लेकिन यहाँ पे जो एटकिंसन और सिफ्रिन है, इन्होंने अपने मॉडल में स्मृति की व्याख्या क्या है, त्रितत्व तंत्र के रूप में की है। त्रितत्व तंत्र के रूप में की है वो क्या है, आगे आपको हम बताते हैं। ठीक है, इस मॉडल को रूपात्मक मॉडल भी कहा जाता है। क्या? रूपात्मक मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसे स्मृति का एक सबसे अधिक प्रतिनिधिक मॉडल माना गया है। ठीक, इस मॉडल के अनुसार स्मृति में सूचनाएं तीन स्तरों पर संसाधित होती हैं, अर्थात इस मॉडल के अनुसार स्मृति के तीन तत्व होते हैं। कहने की ये तात्पर्य है कि जो एटकिंसन एवं सिफ्रिन का प्रतिरोधक मॉडल है, इसमें उन्होंने स्मृति की व्याख्या क्या त्रितंत्र के आधार पर की है। वो त्रितंत्र क्या है, पहला संवेदी रजिस्टर या संवेदी स्मृति, दूसरा लघुकालीन स्मृति, तीसरा दीर्घकालीन स्मृति। और इस मॉडल को रूपात्मक मॉडल भी कहा जाता है। रूपात्मक मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मॉडल जो है स्मृति की व्याख्या सबसे अच्छे तरीके से करता है, इसलिए इसको रूपात्मक मॉडल बोला जाता है। और यह जो मॉडल है, इस मॉडल के अनुसार स्मृति में जो सूचनाएं होती हैं, जो इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं, वो तीन स्तरों पर क्या है, संसाधित होती है। अर्थात इस मॉडल के अनुसार स्मृति के तीन तंत्र होते हैं। जैसे कि स्मृति के प्रकार में आपने पढ़ा होगा संवेदी स्मृति, लघुकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी इन्होंने स्मृति के तीन स्तर बताए हैं। पहला संवेदी, इसको रजिस्टर या संवेदी स्मृति, जिसको सेंसरी मेमोरी और सेंसरी रजिस्टर भी बोला जाता है, और दूसरा लघुकालीन स्मृति, जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी और शॉर्ट कट मेमोरी को एसटीएम कहा जाता है, तीसरा दीर्घकालीन स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी को शॉर्ट कट में एलटीएम कहा जाता है। अब एक एक करके समझते हैं कि कैसे इन्होंने स्मृति की व्याख्या इन स्तरों के आधार पर की है। देखिए पहला संवेदी रजिस्टर या संवेदी स्मृति, इस मॉडल के अनुसार सूचनाएं पहले संवेदी स्मृति में प्रवेश करती है। संवेदी स्मृति का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें संचित सूचनाएं बहुत जल्द अपना अस्तित्व खो देती हैं। ठीक है, कहने की यह तात्पर्य है कि हमारे शरीर में पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। ठीक है, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, जीवा और त्वचा, जिनके माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन क्या है हम प्राप्त करते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन की हमको क्या होती है, संवेदना होती है। और जो सब जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन की संवेदना प्राप्त करते हैं तो वो क्या है, कहाँ जाती है, संवेदी स्मृति में जाती है, संवेदी रजिस्टर में जाती है। ठीक, और जाने के बाद क्या होता है, संवेदी स्मृति का सबसे पहले सबसे प्रमुख विशेषता ये बताया इन्होंने कि इसमें जो संचित सूचनाएं हुए वो बहुत जल्द अपना अस्तित्व खो देती हैं। कुछ ही सेकंड के लिए इसमें क्या है, सूचनाएं रह सकती है, उसके बाद अपना अस्तित्व खो देती हैं। आगे इन्होंने बताया कि स्मृति की संचयन क्षमता काफी बड़ी होती है, इसकी जो स्टोरेज पावर है वो तो काफी बड़ी होती है, परंतु संचयन अवधि कम होती है। लेकिन इसमें जो सूचनाएं ठहरती है उसके जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा कम होता है। दृष्टि सूचनाओं को समानतर एक सेकंड से भी कम अवधि के लिए तथा सब सूचनाओं को कुछ सेकंड के लिए संचित कर रखना संभव होता है। यानी कि इस प्रकार की स्मृति में जो जो देखने से संबंधित संवेदना है उसको क्या है, एक सेकंड के लिए, और श्रव्य संबंधी जो सूचना है उसको कुछ सेकंड के लिए संचित ही रख पाते हैं इस मेमोरी में हम। ठीक, ऐसी संबंधित सूचनाओं में जिस पर व्यक्ति ध्यान दे पाता है वही सूचनाएं लघुकालीन स्मृति में प्रवेश कर पाती है। यानी ऐसी संवेदी सूचनाएं जिस पर क्या है कि व्यक्ति ध्यान देता है वही क्या है, संवेदी सूचनाएं, वही क्या है, वही लघुकालीन स्मृति में सूचनाएं प्रवेश कर पाती है। यानी कि व्यक्ति चयनात्मक अवधान के माध्यम से जो ऐसी सूचना जो संवेदी स्मृति में
प्रवेश किए हैं उनमें से बहुत सी सूचनाएं जिन पर व्यक्ति ध्यान देता है वो चयनात्मक अवधारण के माध्यम से कहाँ प्रवेश करता है, लघु कार्य स्मृति में। अब हम बात करते हैं लघु कार्य स्मृति में कैसे सूचनाएं वर्क करती हैं। देखिए प्रतिरोधक मॉडल का यह तत्व या तंत्र बॉब नॉर्मन मॉडल के PM यानी कि प्राइमरी मेमोरी के समान होते हुए भी उससे भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि इसमें STM यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की स्वरूप की विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है। रिहर्सल प्रतिरोधक STM का एक भाग है। रिहर्सल प्रतिरोधक STM का एक भाग है। रिहर्सल प्रतिरोधक से क्या मतलब है कि जब हम कोई सूचनाओं को रिहर्सल करते हैं तो वो सूचनाएं क्या है लघुकालीन स्मृति से हट के या आगे जाके वो क्या है LTM यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रवेश कर जाती है। ठीक, इसमें निश्चित संख्या में कुछ खाचा होता है, यानी कि STM में निश्चित संख्या में कुछ खाचा होता है। खाचा किसे कहते हैं? यह खाचा वह स्थान होता है जिसमें सूचनाएं स्टोर होती हैं। ऐसी खाचाओं की संख्या सीमित होती है जो यह बतलाती है कि STM में संचयन क्षमता सीमित होती है। ठीक है, जो खाचाएं होती हैं जिनमें सूचनाएं स्टोर होती है वो ऐसी जो खाचाएं होती है उनकी संख्या सीमित होती है। ठीक है, जो यह बतलाती है कि इसमें संचयन क्षमता सीमित है। देखिए खाचाएं जैसे यहाँ पे हमने चित्र बनाया है, चित्र माध्यम से देखिए ये खाचाएं हैं R1 R2। अब ये क्या है देखिए यहाँ पे बताया हमने इस चित्र में, इसे चित्र में R1 R2 से दिखाया गया। आर का मतलब होता है प्रतिरोधक का नवीनतम सूचना तथा वन का मतलब होता है प्रतिरोधक का सबसे पुराना सूचना का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब जब लघुकालीन स्मृति में सूचनाएं जो होती हैं अगर उनका बार बार रिहर्सल होता है तो वो कहाँ चली जाती हैं? LTM में चली जाती हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। ठीक, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे सूचनाएं वर्क करती है अब इसको हम देखते हैं। देखिए इस मॉडल में STM सूचनाएं LTM में सब स्थायी रिहर्सल के कारण प्रवेश करती है, यानी कि जो संवेदी स्मृति सूचनाएं कुछ सूचनाएं चयनात्मक अवधारण के माध्यम से कहाँ पहुंची? आपके लघुकालीन स्मृति में। अब लघुकालीन स्मृति में भी व्यक्ति जब रिहर्सल करेगा उन सूचनाओं पर तो उसमें से कुछ ही सूचनाएं कहाँ पड़ेंगी? LTM में पहुंचेंगी। इस तरह के रिहर्सल व्यक्ति क्या करता है? मन ही मन सूचनाओं को बार बार दोहराता है। ठीक है, इस रिहर्सल व्यक्ति क्या करता है? केवल मन ही मन सूचनाओं को बार बार नहीं दोहराता है बल्कि उसका अर्थ भी समझकर अन्य सूचनाओं से उसका संबंध जोड़ता है। एक बार सूचना जब आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि दीर्घकालीन स्मृति में प्रवेश कर जाती है तो रिहर्सल की कोई आवश्यकता नहीं होती है और वे अस्थायी तौर पर वहां संचित रह जाती है। हाँ, फिर उनके रिहर्सल की आवश्यकता तब पड़ती है जब वो LTM से STM में लाना पड़ता है। LTM में संचित सूचना छिड़ता जाता है बाधा के दोनों के प्रभाव के कारण लुप्त होती है। कहने के तात्पर्य है कि डॉट किंसन और शिफ्रिंड महोदय वो कह रहे हैं कि दीर्घकालीन स्मृति कौन सी सूचना प्रवेश करती है, जो लघुकालीन स्मृति में सूचना है जिनका रिहर्सल बार बार किया जाता है वो यहाँ पे आती है। और रिहर्सल कैसे किया जाता है कि उसमें व्यक्ति क्या केवल मन ही मन में सूचनाओं को नहीं दोहराता है बल्कि क्या है उसका अर्थ भी समझता है, अर्थ समझकर उसका क्या है संबंध भी दूसरे वस्तु से जोड़ता है। और ऐसी सूचनाएं जो एक बार दीर्घकालीन स्मृति में स्टोर हो जाती है उनको क्या है रिहर्सल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और रिहर्सल की तब कब आवश्यकता पड़ती है? तब पड़ती है जब LTM से सूचनाएं STM में आती है। और ऐसी LTM जो दीर्घकालीन स्मृति सूचनाएं होती है वो कैसे विलुप्त होती है? छिड़ता जब सूचनाएं पुरानी हो जाती हैं तो व्यक्ति क्या है विस्मरण क्या उनको भूल जाता है। ठीक है, और बाहरी कारक या आंतरिक कारण जिसके जैसे व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया कब उसके सर पे लगा चोट कोई आघात है जिसके कारण क्या है LTM सूचनाएं विलुप्त होती है। तो ये हमने बताया आपको डिटेल में कि स्मृति का एटकिंसन शिफ्रिन प्रतिरोधक मॉडल क्या है। आप एक चित्र को इसको हम समझते हैं, इस चित्र को आप समझ जाइएगा ना तो आप ये मॉडल को अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, परीक्षा में ऐसे आप एक चित्र बनाएंगे तो उससे आपको अधिक से अधिक नंबर मिलेगा। देखिए क्या है एक्सटर्नल इनपुट मतलब बाहर से जो जिस उद्दीपक से हम प्रभावित हो रहे हैं बाहर से किसी उद्दीपक का संबंधन है। जैसे ये देखिए मैंने आपको दिखाया कि ये क्या है, तो क्या है इसका ये क्या हो गया आपके लिए उद्दीपक है, ये आपके लिए क्या हो गया एक्सटर्नल इनपुट है। ठीक, एक्सटर्नल इनपुट कहाँ जाता है सेंसरी रजिस्टर में, संवेदी रजिस्टर में क्या लिखा है परे सूचनाएं कहाँ करती हैं संवेदी स्मृति में प्रवेश करती है, फिर उनमें से कुछ ही चयनात्मक अवधारण के माध्यम से STM में प्रवेश करती है। और कैसे STM प्रवेश करती हैं
कुछ चयनात्मक अवधान के माध्यम से, और फिर एचटीएम से कुछ सूचना जिनसे व्यक्ति रिहर्सल किया जाता है वो एलटीएम में प्रवेश करती है। फिर जो सूचना आपके लघुकालीन स्मृति में आ गई वो सूचनाएं में जब रिहर्सल होता है बार बार, तो वो सूचनाएं उनमें से कुछ ही सूचनाएं क्या है लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। ठीक, आइए हमने बताया कि आपके एसटीएम में खाचा होता है, खाचा में क्या होता है सूचनाएं संचित होती हैं। ठीक, अब ये क्या देखिए, पहले सूचनाएं संचित बहुत सी सूचनाओं से व्यक्ति ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होती है। ठीक है, अब वो सूचनाएं क्या है सेंसरी मेमोरी में आपके संवेदी स्मृति में आ गई, और उनमें से क्या होगा कुछ सूचनाएं को क्या है वो लास्ट खोद देता है, विलुप्त हो जाता है, व्यक्ति उन पर ध्यान नहीं देता है। जिन पे व्यक्ति ध्यान देता है वो कहाँ आता है एसटीएम में आता है, और एसटीएम के आने के बाद जिन पे रिहर्सल किया जाता है ठीक है वो तो एलटीएम में आ जाता है, और जिन पर रिहर्सल नहीं किया जाता है वो कहाँ जाए वो विलुप्त हो जाती है। और ठीक उसी प्रकार से कुछ समय बीतने के बाद छिड़ता और प्रभाव के कारण क्या है दीर्घकालीन स्मृति से भी सूचनाएं विलुप्त हो जाती है। तो ये रहा स्मृति का एटकिंसन सिफ्रिन का प्रतिरोधक मॉडल। आशा करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, क्लास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड सभी प्रकार के देखने को मिलते रहते हैं। इस चैनल पर आपको बीए साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, और साथ ही साथ साइकोलॉजी से संबंधित सभी जो कम्पिटेटिव एग्जाम है जैसे नेट हो गया, पीजीटी हो गया, सबका तैयारी इस चैनल पे कराया जाता है। आप चैनल पे विजिट करके एक बार आप प्लेलिस्ट चेक करिए, आपके हिसाब से जो आप बीए के स्टूडेंट है तो बीए वाले प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखिए, एमए के स्टूडेंट है तो एमए वाले प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।